बैक टू द रॉय रॉक स्टेटस। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिसपे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडर्स आपको कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट लेना है पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे, और आपको एक वीडियो में लास्ट में आपको ऐसा इंट्राडे स्टॉक देंगे जो कल आपको जैकपॉट साबित हो सकता है। और ट्रेडर्स अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां पे भी ज्वाइन हो जाए, आपको ट्रेडर्स वहां निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलता है, और आपको वहां लाइव मार्केट अपडेट भी देखने के लिए मिलता है, और आपको यहां पे चार्ट भी देखने के लिए मिलता है, कभी कभी आपको वहां पे चार्ट अपडेट कर देते हैं। तो आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आपको यहां पे स्कैनर आ रहा होगा तो सिंपली से आप स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स पहले हम बात करेंगे आज जो स्टॉक ट्रेड करने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज का ट्रेडर्स हमारा फर्स्ट स्टॉक था पिरामल इंटरप्राइजेस की तरफ से, जो कि ब्रेकआउट करने पे बोले थे। जैसा कि ट्रेडर्स आपको फर्स्ट कैंडल वेट करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे मोमेंटम दिखाया था, फिर देखते हैं यहाँ पे गैप ओपनिंग के बाद रिट्रेस किया और यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया, और ये स्टॉक लगभग हाई बनाया था आज लगभग 1046 के पास, जिसमें ट्रेडर्स हमारा सारा टारगेट अचीव हुआ और ये स्टॉक जो है हमारा जैकपॉट भी साबित हुआ। ये स्टॉक में आपको लगभग आज जो है 1-2% का इजीली रिटर्न देखने के लिए मिल गया। जो भी इसमें ट्रेड किए होंगे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे, अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक था केपीआई टेक की तरफ से, जिसमें ट्रेडर्स यहां पे भी एंट्री लेने के लिए बोले थे, जो कि ट्रेडर्स इसमें भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला, इसमें भी ट्रेडर्स हमारा सारा टारगेट अचीव देखने के लिए मिला, और ये स्टॉक ने आज लगभग हाई बनाया था 1911 के पास और ये आपको 4% का रिटर्न देके गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक मेंबर ने प्रॉफिट भी बुक किया था। आप यहाँ पे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट एक मेंबर का देख सकते हैं, जो कि ट्रेडर्स यहाँ पे मेंबर ने प्रॉफिट भी बुक किया है। आपको प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, जो कि अगर ये स्टॉक में आप ट्रेड लिए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक था आईजीएल की तरफ से, जो कि ट्रेडर्स यहां से ब्रेकआउट करने बोले थे, बट ट्रेडर्स यहाँ ये स्टॉक में या जो है फेक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट इसमें हमें शॉर्ट सेल पोजीशन दी थी जिसमें हमारा शॉर्ट सेल पोजीशन लेवल टिगर हुआ और लो बनाया 547 के पास। इसमें ट्रेडर्स हमें शॉर्ट सेल पोजीशन में अगर आप चाप शॉर्ट सेल पोजीशन बनाए होंगे तो इसमें ट्रेडर्स लगभग 1% का इजिली इसमें भी रिटर्न देखने के लिए मिल गया। अगर आप इसमें भी ट्रेड लिए होंगे तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक था हिंदुस्तान जिंक की तरफ से, ये स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेशन करते रहे और लास्ट के आवर में ये स्टॉक लगभग हाई बना दिया था 655 के पास, जिसमें ट्रेडर्स हमारा सारा टारगेट अचीव देखने के लिए मिला। अगर ट्रेडर्स जिसे आप ट्रैक किए होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का ट्रेडर्स हमारा अगला इंट्राडे स्टॉक जो कि कॉन्करर दिए थे, जो कि आपको खुद से लेवल फाइंड करने दिए थे, जो कि ब्रेकआउट करने पे बाइंग बोले, बट इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये स्टॉक आज का अवॉइड हो गया। अगर ट्रेडर्स आप लोग को हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और ये वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो को जरूर शेयर करे। तो ट्रेडर्स बात कर लेते हैं आज के लिए, तो ट्रेडर्स अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिसपे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा ONGC की तरफ से। इसको ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल टाइप का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जो कि ये ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को अटेम्प्ट करते हुए नजर आया है, यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे भी ट्रेडर्स अटेम्प्ट किया है, ये जो है मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को रिटेस कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया है। अगर ट्रेडर्स इसका हाई ब्रेक कर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब जो है आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, जिसमें ट्रेडर्स हमारा एंट्री पोजिशन हो जाएगा 338 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट 340 का रखेंगे, सेकंड टारगेट 342 का रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस 336 का रखेंगे। अगर ट्रेडर कल के सेशन में ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा फर्स्ट इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल जो है आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो बात कर लेते हैं ट्रेडर्स कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक, कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा विप्रो की तरफ से। इसको भी ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा स्टॉक में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपसाइड दिखाने के बाद ये स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने के लिए मिला और ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह फॉर्मेशन करते हुए नजर आया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम रिटेस किया, सेकंड टाइम रिटेस किया, यहाँ पे थर्ड टाइम रिटेस किया, फोर्थ टाइम रिटेस किया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टाइप का सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लेते हुए आ रहा है।
तो अगर टीडर्स चांस है यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है बहुत मूव किया था, यहाँ पे बायर एंट्री लिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला। अगर ये ट्रेंड लाइन के कल अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं 524 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट 526 का रखेंगे, सेकेंड टारगेट 528 का रखेंगे और उसमें स्टॉप लॉस 522 का रखेंगे। तो अगर टीडर कल के सेशन में अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अगर ब्रेकआउट नहीं करता और ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन कर देगा तब आप यहां पे शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं 520 से नीचे। फर्स्ट टारगेट 518 का रखेंगे, सेकंड टारगेट 516 का रखेंगे और इसमें स्टॉप लॉस 522 का रखेंगे। तो अगर ट्रेडर इसके नीचे ये ब्रेक डाउन करके निकलता है तब आप यहां पे शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए ये ट्रेडर्स हमारा सेकेंड इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो इसमें हमारा दोनों लेवल रहेगा, तो कल आप इसमें अच्छा सा इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक होगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। और ट्रेडर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा पेड इक्विटी ग्रुप के बारे में, जिसमें ट्रेडर्स आपको डेली वहाँ 3 से 4 इंटरडे स्टॉक देते हैं जो कि यूट्यूब स्टॉक से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगा। और आज का आप प्रॉफिट देखना चाहे तो फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, आप जाके फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर सकते हैं आज का मेंबर का प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे ट्रेडर्स सिर्फ 1 मंथ का 199 पर मंथ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप अभी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेडिक्यूटी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा थर्ड स्टॉक, कल के लिए हमारा थर्ड स्टॉक हो जाएगा इंडसइंड बैंक के तरफ से। इसमें भी ट्रेडर्स देखे तो काफी अच्छा खासा इसमें पैटर्न बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरह फेस किया है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह फॉलो करते हुए ये दोनों ही क्लोजर आ चुका है। और यहाँ पे ट्रेडर्स लास्ट के आवर में देखे तो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इतने ट्रेड करते हुए नजर आया है, तो अगर कल ये ब्रेकआउट करता है तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इसका अगर हाई ब्रेक करेगा तब आप यहाँ एंट्री लेंगे 1430 से ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपको 1434 का रखना है, सेकंड टारगेट 1438 का रखना है और इसमें स्टॉप लॉस 1426 का रखना है। अगर ट्रेडर कल के सेशन में ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा फर्स्ट इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक, कल के लिए हमारा फोर्थ स्टॉक हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक के तरफ से। ये भी स्टॉक में देखे तो काफी अच्छा खासा यहाँ मोमेंटम आने के बाद प्राइस जो यहाँ पे करेक्शन करते हुए नजर आया है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस की तरह फॉर्मेशन किया है और नीचे आप एक सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सपोर्ट माइनर सा एक सपोर्ट लेके यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश किया है। तो अगर ट्रेडर्स ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करता है तो कल आप एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा और कल मार्केट बुलिश रहेगा। आपको कभी भी फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे 317.50 पैसा से ऊपर एंट्री लेंगे, फर्स्ट टारगेट 319 का, सेकंड टारगेट 321 का और इसमें स्टॉप लॉस 315 का रखेंगे। तो अगर ट्रेडर कल के सेशन में ये ब्रेकआउट करता है तब आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा फोर्थ इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो कल जो है आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फिफ्थ और लास्ट इंटरडे स्टॉक, जो कि आईसीआईसी बैंक की तरफ से हो जाएगा। इसमें भी ट्रेडर्स देखे तो सेम काइंड इंडसइंड बैंक में जो पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था इसमें भी सेम बन रहा है और ये स्टॉक कल के लिए आपको होमवर्क रहेगा। आपको इसमें खुद से लेवल फाइंड करना है, ताकि आप जब खुद से लेवल फाइंड करना सीखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आप स्टॉक सिलेक्शन करना सीखेंगे। तो इसमें आपको लेवल फाइंड करके नीचे जरूर कमेंट करके बताना है। तो कल के लिए हमारा फिफ्थ स्टॉक होगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। और ट्रेडर्स अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप फ्री में बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का लिंक दिया गया है, आपको सिंपली से उसमें अकाउंट ओपन करना और नीचे कमेंट करके आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आप हमारा सारा प्रीमियम ग्रुप का बेनिफिट उठा सकते हैं, स्विंग ट्रेड इंट्राडे स्टॉक सारा का। और ट्रेडर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे और वीडियो को लाइक कर दे और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।